अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुधवार को भारत बंद का आह्वान जिले की कई जगहों पर देखा गया। मधुबनी में जहां संगठनों के द्वारा ट्रेनें रोकी गई, वहीं जिले के अन्य ब्लॉकों में सड़क जाम कर बंद को सफल बनाने का प्रयास किया गया। इसी बंदी के आह्वान पर मधुबनी के बिनीपट्टी मुख्यालय में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोगों ने अम्बेडकर चौक के निकट सड़क जाम कर नारेबाजी की, जिसके कारण अम्बेडकर चौक के पास से गुजरने वाली सभी सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। अपने अपने ऑफिस के लिए निकले कर्मियों को जाम के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं रास्ते से गुजर रही आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस स्वास्थ्य कर्मी को रास्ता दिया जा रहा था, जिसमें पुलिस बल भी तैनात दिखे। इस बीच बेनीपट्टी थाना के थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर गौतम कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से वार्ता कर जाम खोलने का अनुरोध किया। इधर जाम के कारण बाइक चालक गांव की गलियों से निकलकर आगे बढ़ते रहे। दोपहर 12 बजे तक बेनीपट्टी का अम्बेडकर चौक जाम था। वहीं बेनीपट्टी के अन्य चौक चौराहों पर जाम का असर नगण्य रहा। अम्बेडकर चौक पर सड़क जाम का नेतृत्व करने में केदार राम, सुधीर पासवान, राजद के प्रखंड अध्यक्ष रामबरन राम, प्रहलाद पासवान, मुकेश कुमार, पंचायत समिति सदस्य अशोक कुमार राम, कृष्ण कुमार पासवान, रामवृक्ष राम, बचनदेव पासवान, विनोद राम, राजेश पासवान, संतोष राम, सुरेंद्र राम सहित कई लोग लगे रहे। देखिए इस मौके पर लोग जाम को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं। इतना अथक प्रयास के बाद, अपने सभी बाल बच्चा को कुर्बान करने के बाद भारतीय संविधान को बनाए और लागू किए, उसके तहत एससी एसटी जो सभी जाति में नीचे थे, सबसे नीचे जाति में आते थे, उनको आरक्षण के माध्यम से थोड़ा देश में उठाने का प्रयास किए। जो अभी वैसे तो 15% आरक्षण दिया गया था, लेकिन हमारा जनसंख्या 25% है, वो भी नहीं हुआ। अभी तक मात्र 2% का आंकड़ा है कि 2% लागू किया गया है संविधान में जो दिया गया था आरक्षण, बस उससे अधिक नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट जो इसमें भाई भाई में बंटवारा कर दिया है, दूसरा चमार पासी साफी धोबी को हटा दिया गया है, आज जो जाति नहीं पढ़ता है अभी तक उसके वहाँ शिक्षा का व्यवस्था गया ही नहीं है, उसको आगे ला करके चाहते हैं इसका पूरा के पूरा आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। इसी के चलते हम लोग यहाँ भारत बंद किए हैं, पूरे भारत में बंद है, और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऐसा घृणित काम किया है उसको हम मुर्दाबाद कहते हैं, और इस तरह से हमारे भाई भाई में बंटवारा जो करते हैं वो हम नहीं मानेंगे। अंतिम खून तक, अंतिम सांस तक हम लड़ते रहेंगे, एससी एसटी जिंदाबाद करते रहेंगे, एससी एसटी को कभी बंटवारा नहीं होने देंगे। हमारा 22% पहले से दिया हुआ संविधान में, अभी 27% हो गया है, और तभी 2% लागू करना चाहता है, वो भी उसमें बंटवारा कर, मतलब आरक्षण की सीमा उतनी ही है, उसमें बस बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हमारा जनसंख्या उसे दुगुना हो गया है। अच्छा। दुगुना होनी चाहिए, और अगर बंटवारा होगा तो फायदा तो एससी शेड्यूल कास्ट में जो लोग आ रहे थे उन्हीं को ही होगा, उन्हीं को नहीं होगा। ये चाहते हैं भाई भाई की लड़ाई हो और बंटवारा हो, जहाँ शिक्षा है ही नहीं, हम दोनों के बीच में मतांतर हो जाए, अपने में मतांतर होने के बाद वो मतलब जिनके पास शिक्षा नहीं है उनको आगे लाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट कर रही है। जी नहीं, वो नहीं कर रही है। अच्छा, वो नहीं कर रही है। वो ज्यादा चाहती है तो बैकलॉग जो पूरा देश में लागू है उस बैकलॉग को पूरा कर दे तो हम समझेंगे उसके पास में मानवता है, मानवता विहीन है सुप्रीम कोर्ट। आप लोग के जो लीडर हैं बिहार में या देश में, उन लोगों के स्टैंड से आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, सब सहमत नहीं, जो हमारा साथ देता है उसके साथ सहमत हैं, जो साथ नहीं देता है। इस मुद्दे पर कौन कौन आपके प्रमुख लीडर आ गया है? एक मायावती, दूसरे में है चंद्रशेखर आजाद, तीसरे में है चिराग पासवान बिहार लेवल पर, और सबका नाम हम आंकड़े में है, मोबाइल में है नहीं जानते हैं, लेकिन है जो हमारे साथ हैं, हमारे रहनुमा है, हमारे महान आदमी है, उनके साथ हम हैं, जो हमारा साथ देते हैं, जो हमारे दुश्मन बने हुए हैं उसका हम दुश्मन बन के उसको हम त्याग देंगे। क्या कीजिए, आप पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, विरोध कर रही है कल से ही प्रखर होकर के, आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा स्पष्ट मांगना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार दिया है, एससी एसटी का जो आरक्षण की व्यवस्था किया संवैधानिक संविधान के आधार पर, उस संवैधानिक आधार पर उसमें वर्गीयकरण जो किया जा रहा है, इस आधार पर किया जा रहा है कि मैंने पासवान, चमार, पासी और धोबी जो
उसके कैटेगोरी बढ़ गया है, आरक्षण के मोर्चे में लाभ लेकर वह आगे बढ़ रहा है। मेरा स्पष्ट मानना है आज़ादी के आज तक भारत सरकार पिछला जो हमारा बकाया आरक्षण कोटा है वो आरक्षण कोटा को उनकी जो मानसिकता उसी को भर दिया जाए। हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि आरक्षण का जो कोटा है वह आज तक पूरे भारतवर्ष में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ है। हमारी मांग है कि आरक्षण का कोटा हर स्तर पर हो, यही हम लोग का कहना है। और संविधान के खिलाफ में जो भी सरकार जाएगा, हमको यही कहना है कि भारत सरकार की जो रवैया है फूट डालो और शासन करो। भाई भाई में लड़ा करके जो ये आरक्षण का जो विरोध कर रहे हैं वह नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जो आरक्षण है वह पूरा दे और जितना भी बैकलॉग है सबको भर दिया जाए। उनको ये मंशा है जो मुसहर डोम धनकार हलखोर उसमें कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको उससे सीट बच जाएगा और हम लोगों को जो है जो कोई लाभ नहीं दिया जाएगा उसको सीटें नहीं भरेगा और सीट को जो है सो बाकी में बंदर बांट कर देगा। इसी लेकर के हम लोगों को बंटवारा करना वह बंद करे। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं, ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज बेनीपट्टी बेटा बाजार नियर ग्रामीण बैंक।